गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श कुमार आ चुका हूं आप लोगों के समक्ष और नए वीडियो के साथ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, क्योंकि हम आज क्लास 10th के मैथ के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज से प्रतिदिन आपको रेगुलर एक वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद से, पॉलिनोमियल से। मैथ का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका 2 है, ठीक ना। मैथ का टॉपिक है और इसका नाम है बहुपद। इसका नाम क्या है? बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग पहले से ही परिचित है, क्योंकि आप लोग 6 क्लास से ही बहुपद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को वह चीजें नहीं मिल पाता है कि समझ सके कि आखिर होता क्या है, और उस समय बताना भी उचित नहीं होता है। देखिए, अब हम यहाँ पर शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होता चले, ठीक ना। तो बीज गणित के नाम से हम लोग बहुपद को हम 6 क्लास में पढ़े थे, 7 क्लास में सरल समीकरण के बारे में पढ़े थे, 8 क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम इसी बहुपद को पढ़े थे, 9 क्लास में बहुपद के नाम से ही पढ़े थे इस बहुपद को ही। तो आप लोग को ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों के लिए टॉपिक नहीं है, ठीक ना। नया टॉपिक नहीं है, बल्कि एकदम पुरानी टॉपिक है, क्योंकि आप इसे पीछे पढ़ चुके हैं। और करना क्या है आप लोगों को, जो पीछे टॉपिक पढ़े हैं 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास में जो पढ़ते आ रहे हैं, बस वहीं से उस सारी चीजों को ताजी करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक ना। तो हम जो बताएंगे ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि 0 लेवल से लेकर चलेंगे और इतना बेहतरीन बेहतरीन चीज बताएंगे कि सारा क्वेश्चन फो दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव होके चाहे सब्जेक्टिव होके, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के सारा, मतलब प्रत्येक तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुपद के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, बहुपद क्या है, सबसे पहला सवाल दिमाग में ही उठेगा, बहुपद क्या है, बहुपद होता क्या है, बहुपद का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्त शॉर्ट तरीके में अगर बताए तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिनके चरों का घातांक सदैव पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहा जाता है। बीजीय व्यंजक, बीज गणित में हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं 6 क्लास में, ठीक ना। तो बीजीय व्यंजक जिनके चरों का घातांक सदैव पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का घातांक जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे बहुपद है, अगर नहीं है तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 .. इनफिनिटी, मतलब इस तरह से आपका घातांक होना चाहिए, चर पद का घातांक होना चाहिए। चर का मतलब मेरे दोस्त, बहुत से बच्चा जो है चर पद का मतलब नहीं समझ पाता है। चर का मतलब ABCD शॉर्ट में, चूंकि ABCD होता नहीं है, ABCD हम शॉर्ट में ऐसे बताने का एक तरीका है कि ABCD इसका मतलब समझ लीजिए, सबसे बेहतरीन चीज। ऐसे इसके जवाब पे जो भी है आपको समझ में आ जाएगा कि चर पद है कि नहीं है। इसका मतलब इसके जो चर पद होता है ये परिवर्तित होते रहता है, ठीक ना। इसका मान में परिवर्तन समय के साथ परिवर्तित, मतलब बदलाव होते रहता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं एगो बहुपद PX बराबर लिखे हैं 4x² + 2x, ठीक ना, 4x² + 2x, इसका मान निकालने के लिए बोलेंगे। तो px बराबर 4x² + 2x लिखे हैं, ठीक है। तो अगर p1 निकालते हैं तो x की जगह 1 लिख के सॉल्व करेंगे, p2 निकालते हैं तो x की जगह 2 लिख के सॉल्व करेंगे, 3 निकालते हैं तो x की जगह 3 लिख के सॉल्व करेंगे। यानी x का मान जो देगा उसके अनुसार से इसके मान में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर परिवर्तन कौन ला रहा है? x ला रहा है, तो x यहाँ पर चर पद है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर y रहे तो y चर पद का काम करेगा, a है तो a चर पद का काम करेगा। तो हमें ABCD ऐसे ही लिखे हम कि आपको लगे इसमें XY सबसे ज्यादा देखने को हम लोग को मिलता है, तो XY वाला जो होता है चर पद होता है। हमें जब भी घात देखना होगा तो XY का ही घात देखेंगे। अगर उसका घात चर पद है, उसका घात पूर्ण संख्या है तो हम बोलेंगे बहुपद है, अगर नहीं है तो बोलेंगे बहुपद नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
सवाल लेकर देखते हैं, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एक सवाल लेते हैं, एक नहीं अनेक सवाल करवाएंगे मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लिए हैं x प्लस टू, बी नंबर में लिए हैं रूट अंडर x प्लस टू, सी नंबर में लिए हैं एक बटे x प्लस टू, और डी नंबर में लिए हैं x के पावर माइनस प्लस टू, ठीक है ना। देखिए हम चार को ऑप्शन लिए हैं, आपको बताना इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज बटा में है उसका मतलब क्या होता है, इनवर्स में उसका मतलब क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो छोटा सा हिट कर रहे हो सब के बारे में, मेरे दोस्त हमेशा याद रखिएगा, यदि रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर में एक बटे दो है। अगर कोई भी चीज रूट में है, जैसे मान लीजिए रूट दो है, मतलब दो के पावर में एक बटे दो है, मतलब उसका घात एक बटे दो है, रूट का घात मतलब एक्स के पावर एक बटे दो, रूट एक्स मतलब एक्स के पावर एक बटे दो, एक बटे एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर माइनस वन, एक बटे एक्स का मतलब क्या होता है एक्स के पावर माइनस वन, मतलब एक्स जो आ जाएगा इनवर्स में रहेगा, एक बटे एक्स रहेगा तब। तो यहाँ पर देखिए यही दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा, और कुछ जो समीकरण को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए एक्स के पावर दो के पावर टू है, पावर का पावर रहता है तो गुना कर दिया जाता है, एक्स के पावर दो दूनी चार हो जाएगा, जिससे मान लीजिए एक्स के पावर ऐसे लिखिए एम के पावर एन, तो एक्स के पावर एम एन हो जाएगा। चूंकि हम पहले बता चुके हैं, आप पीछे वीडियो में देखिएगा तो आपको ऐसा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल टूल्स आपका नाम से होगा, पीछे जाकर आप देखिएगा तो सारा चीज वहां पर किया हुआ है। एक्स के पावर, चूंकि पुराना वीडियो है तो उतना बढ़िया नहीं लगेगा आपको देखने में, लेकिन जो बताया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया, ठीक ना, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताया गया है, ठीक। तो अगर x के, जैसे मान लीजिए अगर x के पावर n गुना x के पावर m है, आधार समान है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, x के पावर n प्लस m कर दिया जाता है, तो x के पावर n बटा में x के पावर m है तो पावर को घटा दिया जाता है, x के पावर n माइनस m कर दिया जाता है। ये जो छोटा छोटा चीज है आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज के इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो बहुत आसानी से कह देंगे सर x के पावर 1 है, नहीं 1 है, यहाँ पर x छुपल है, x के पावर 0 है, कुछो के पावर जीरो मतलब वन होता है, याद रखिएगा एक्स के पावर जीरो मतलब वन, एक हजार के पावर जीरो मतलब वन, एक लाख के पावर जीरो मतलब वन, समझ में आ रहा है, कुछो के पावर कतनो अंक के पावर जीरो के उसका मतलब वन होता है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक्स के पावर जीरो मतलब यहाँ पर वन है, वन में दो से गुना करेंगे दो तो केवल दो, मतलब जो चर पद यहाँ पर उसके पावर में जीरो छिपा हुआ है, ठीक ना। हम इसमें देखें चर पद का घात क्या क्या है, चर पद का घात वन है और जीरो है, यहाँ पर रूट एक्स का मतलब बताया है एक्स के पावर एक बटे दो प्लस दो, तो पावर एक बटे दो हो गया, घात यहाँ पर जीरो अभी बताया है, कुछ नहीं है मतलब पावर में जीरो है, एक बटे दो और जीरो हो गया। यहाँ पर अभी बताया है अगर एक्स बटा वन, एक बटा एक्स है मतलब बटा में, तो ऊपर जाकर इनवर्स में हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स के पावर माइनस वन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए वन बटे एक्स स्क्वायर रहता तो ऊपर जाके एक्स के पावर माइनस दो, तीन रहता है तो तीन यहाँ पर जो रहेगा लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। अब प्लस में टू है तो प्लस में टू, चूंकि इसमें देखेंगे तो इसका क्या क्या हो गया, तो पावर माइनस वन हो गया और इसका जीरो हो गया, इसमें देखेंगे तो माइनस टू है पावर और यहाँ पर एगो जीरो है। मेरे दोस्त देखिए कौन सा इसमें कौन ऐसा पर कौन सा ऑप्शन है जिनके चरों का घातांक केवल पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात ऐसे करके जाएगा, जीरो एक दो, जीरो से शुरू होने वाली सभी प्रकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, मतलब जीरो को साथ में ले लेते हैं, सारे गिनती की संख्या ले लेते हैं, सब पूर्ण संख्या में आएगा। यहाँ पर देखिए गिनती की संख्या और जीरो वाला कौन है, केवल ही वाला है, बताइए एक बटे दो गिनती में आता है कभी, नहीं आता है, माइनस वन गिनती में आता है, नहीं आता है, माइनस टू आता है, नहीं आता है, चूंकि हम स्टार्ट करते हैं गिनती वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करके जाते हैं, उसमें साथ में जीरो लेना है, चूंकि माइनस वन और माइनस टू जीरो से छोटा हो गया, वन बटे टू वन से छोटा हो गया, चूंकि वन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एक नंबर में होगा, ए नंबर में ये आपका बहुपद होगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा जिसे आपको सॉल्व करना है और सबको होना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं हम यहाँ पर इससे रिलेटेड, अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है,
बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो एक टेलर समझिए, फिल्म पूरा अभी बाकी है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं हम आज, बहुपद का लगभग लगभग चीज आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम बात करते हैं बहुपद का कुछ और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आपका दिया है रूट अंडर चार एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर थ्री एक्स प्लस टू। बी नंबर में दिया है रूट अंडर छ एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस चार। सी नंबर में दिया है छ एक्स के पावर माइनस टू प्लस, ऐसे लिखिए वन बटे छ एक्स के पावर माइनस टू प्लस छ एक्स प्लस दस। और डी नंबर में दिया है एक्स के पावर रूट अंडर एक्स के पावर आठ गुण प्लस एक रूट अंडर एक्स के पावर चार प्लस दस, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन है, बोला इसमें कौन कौन बहुपद है कौन कौन बहुपद नहीं, आपको बताना है कौन कौन बहुपद है कौन कौन बहुपद नहीं। ऐसे एक गो नहीं है, आपको पूरा देखकर सबका बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। सबसे पहला सवाल ये वाला है ए नंबर में, ये बहुपद है कि नहीं है। सॉल्व करते हैं, देखिए रूट चार एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त, रूट देख कर नहीं घबराना है, रूट देख कर घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन को फोड़ने के चक्कर में रहना है, उसको देखना है कि आखिर बोल क्या रहा है कह क्या रहा है, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में धंसा हुआ है, बस उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए जो है, ए नंबर को फोड़ते हैं, ए नंबर में क्या है रूट अंडर फोर एक्स स्क्वायर, चार का वर्गमूल दो होता है, एक्स स्क्वायर के छोटा एक्स निकल जाएगा, एगो एक्स बाहर निकल के आता है। चूंकि इसको बेहतर तरीका से मतलब समझना है तो यहाँ पर समझते हैं, रूट अंडर चार एक्स स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो गुणनखंड चार का दो गुना दो एक्स स्क्वायर का गुना में एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए बताइए दो को मिलके एगो बाहर निकलता है तो रूट से बाहर निकल जाएगा एगो दो, और दो को मिलके एगो एक्स निकला मतलब टू एक्स आ गया यहाँ पर। बोलिए अगर और मतलब आप जानते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका, तो चार का वर्गमूल दो होता है, एक्स स्क्वायर दो होते एगो बाहर निकल गया मतलब टू एक्स यहाँ पर आ गया चार एक्स स्क्वायर के बदले में, ठीक है। प्लस देखिए रूट तीन, तीन का वर्गमूल निकलेगा, तीन का वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो निकालने के चक्कर में नहीं रूट तीन रहने देते हैं, हमें एक्स के घात से मतलब है, हमें एक्स के घात से मतलब है। तो यहाँ पर एक्स, एक्स का तो वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, स्क्वायर रहता तो एक एक्स लिख देते, एक्स के पावर चार रहता तो दो एक्स लिख देते, एक्स के पावर छह रहता तीन एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक्स के पावर वन है। अगर पावर में विषम संख्या हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, चर पद के पावर में विषम संख्या हो तो वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे पावर में यहाँ पर वन है तो वन आपका वन का वर्गमूल एक है तो इसका नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक्स के पावर में दो तो एगो एक्स हो जाएगा, अगर चार हो तो दो गो एक्स हो जाएगा, अगर छ हो तो तीन गो एक्स बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, सम संख्या तो वर्गमूल निकल जाएगा, विषम संख्या नहीं निकलेगा, एक्स एक्स का वर्गमूल नहीं निकलेगा मतलब एक्स के पावर में एक बटे दो हो गया प्लस में टू, बताइए पावर में वन बटे टू आ गया, कहीं बहुपद नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या वन बटे टू नहीं है। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसको फोड़ते हैं रूट अंडर छ एक्स स्क्वायर, अभी बोले हैं सम संख्या मतलब वर्गमूल निकल जाएगा, दो एक्स है मतलब एक एक्स बाहर निकलेगा, तो छ एक एक्स बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकल गया, अब प्लस में दस एक्स प्लस में चार, बताइए इसके पावर में वन, इसके भी पावर में वन, इसके पावर में जीरो, एक्स के पावर जीरो छिपल है ना, तो वन है जीरो, वन वन है जीरो, इस सब पूर्ण संख्या मतलब ये वाला बहुपद है, ये वाला बहुपद है। समझ में आ रहा है, ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है, इसको 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 तोड़े हैं, इसको तोड़े इतना है, इसको तोड़े इतना है, अब इसको तोड़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को तोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा वन बटे छ एक्स के पावर दो, अभी बोले हैं नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, पावर के चिन्ह में परिवर्तन होता है, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात के चिन्ह में परिवर्तन होता है, चर पद के घात जो है उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो वन बटे छ है तो वन बटे छ लिख दिए, एक्स के पावर माइनस दो को ऊपर ले जाते हैं तो एक्स के पावर केवल टू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। प्लस में छ एक्स प्लस में दस, यहाँ पर देखिए पावर में दो है, पावर में वन है, पावर में एक्स के पावर जीरो है, तो यहाँ पर टू और वन है जीरो सब पूर्ण संख्या मतलब ये वो बहुपद है, ये वाला बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला को खोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको समझ जाना है बहुपद को कैसे पहचानना है। रूट अंडर एक्स के पावर आठ, एक्स के पावर आठ है मतलब चार गो एक्स बाहर निकल गया एक्स के पावर चार, अब प्लस में एक्स के पावर चार है निकलेगा दो गो एक्स बाहर निकलेगा एक्स के पावर दो, अब प्लस में दस, चार या दो आ एक्स के पावर जीरो, तो चार दो आ जीरो, ये तीनों जो है पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या थी बहुपद होगा मतलब ये वाला बहुपद है।
हम जो तीन गो ऑप्शन चार गो ऑप्शन दिए थे, ये चारों ऑप्शन में तीन गो बहुपद है और ये सिंगल एगो बहुपद नहीं है। हमें उम्मीद है आप बहुपद को पहचानना समझ गए होंगे। बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे आप समझ गए होंगे, और बहुपद से रिलेटेड चीजों को आगे लेकर चलते हैं। आज की क्लास में केवल हम थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी से इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि प्रश्नावली करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी में ही प्रश्नावली का अधिकतम क्वेश्चन बनवा देते हैं, उसके टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आप प्रश्नावली लगाए तो बिना हम बनाए आप खुद से लगाए सारा क्वेश्चन अपने आप बनने लगे, ठीक है ना। इसमें होने वाला है आपको चमत्कार लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पता नहीं चलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, कहने का मतलब है कि आपको एकदम नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। बस थ्योरी को बढ़िया से दिमाग में लगा लीजिएगा तो आप इंजॉय टाइप का लगेगा, बहुत मजा आएगा। देखिए बहुपद को पहचानना सीख गए, बहुपद के प्रकार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बहुपद का प्रकार ऐसे बहुत सारा होगा, लेकिन बहुपद के तीन प्रकार के बारे में हमें अध्ययन करना है। हमें कितना प्रकार के बारे में अध्ययन करना है, तीन प्रकार के बारे में अध्ययन करना है, बहुपद के तीन प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। देखिए प्रथम प्रकार में मतलब टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुपद के तीन प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। ऐसा नहीं बोला है कि बहुपद के तीन प्रकार होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुपद के तीन प्रकार नहीं होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगर कोई बोलता है कि बहुपद के तीन प्रकार होता है तो गलत बोल रहा है, केवल तीन प्रकार ही नहीं होता है। क्या चार घात वाला बहुपद नहीं होगा, पांच घात वाला बहुपद नहीं होगा, छह घात वाला बहुपद नहीं होगा, सब होगा, लेकिन तीन प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है 10th क्लास तक। पहला का नाम है रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तीनों के बारे में जानेंगे, 10th क्लास में हमें यही तीनों के बारे में बेहतरीन तरीका से अध्ययन करना है। ये बहुपद के शून्य के बारे में जानना है, गुणांक के बारे में जानना है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानना है, और भी काफी सारी चीजों के बारे में हमें जानना है ये बहुपद के, बहुपद में, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन आपका चैप्टर निकल करता है, VVI चैप्टर निकल करता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल में पूछता है कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है, आपको पहचानना है। मेरे दोस्त इतना आसान है ना, इतना आसान है कुछ कहिए मत। रैखिक बहुपद का मतलब बता दे रहे हैं, रैखिक बहुपद मतलब, रैखिक बहुपद मतलब वह बहुपद, एक घात वाले कहिए ना, इसके इसके चरों का अधिकतम घात, अधिकतम घात का होता है वन होता है, अधिकतम घात वन होता है। अगर आपके समक्ष ऐसा कोई भी बहुपद लगता है, दिखता है, जिसका अधिकतम घात वन हो, उसको बोलिएगा रैखिक बहुपद है। जिस बहुपद का अधिकतम घात वन होता है उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। याद रहेगा जिस बहुपद का अधिकतम घात वन रहेगा उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इधर ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं इधर, ठीक है ना। ये आपका डिफिनेशन होगा सबका, जिसके चरों का अधिकतम घात वन हो रैखिक बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, एक नंबर एग्जाम्पल से मान लीजिए हम 4x+10 लिखे हैं, 4x+10 लिखे हैं, ऐसा एग्जाम्पल बहुत सा होगा, 4x+10 लिखे हैं। ध्यान से देखिए, x का अधिकतम घात अगर देखें तो यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात 0 है, कुछ नहीं है, मतलब चर का घात 0 है, x का घात क्या है 0 है, यहाँ पर x का घात 1 है। अब बताइए 1 और 0 में कौन बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, तो अधिकतम घात क्या हो गया, तो 1 हो गया। इसको कौन बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। समझ में आ रहा है, कौन बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। मान लीजिए दो नंबर में 6x केवल लिख दे, तो 6x रैखिक बहुपद है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, अचर पद के जगह पे 0 रहता है, अचर पद के जगह पे यहाँ पर 0 छिपल है जो दिखाई नहीं दे रहा था, तो 6x+0 x घात 1 और यहाँ पर x घात 0, मतलब 0 1 में देखा जाए तो 1 बड़ा है, मतलब यह रैखिक बहुपद है। अगर बोले कि 10 रैखिक बहुपद है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, x घात 0 है तो 0 वाले को रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसी को हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा रैखिक बहुपद क्या होता है। अब चलते द्विघात बहुपद में,
और एक बात रैखिक बहुपद को में साथ साथ ये बात जान लेते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप किसका, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस में बी, अगर कोई पूछे ए क्या है तो मेरे दोस्त बताना है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, साफ साफ लिखते हैं। रैखिक बहुपद को पहले पढ़ लेते हैं, फिर द्विघात बहुपद को पढ़ लिया जाएगा, फिर त्रिघात बहुपद को पढ़ लिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या पढ़ते हैं, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी। जहां ए क्या है, जहां ए क्या है, ए है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। बी क्या है मेरे दोस्त, बी है अचर पद। क्या है, अचर पद। अभी हम बताए नहीं ना अचर पद क्या होता है, चर और अचर। अचर का मतलब होता है जो परिवर्तित ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी है तो बी के स्थान पर गिनती में के कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 6x प्लस 10 लिखे हैं तो x का गुणांक में क्या है 6, मतलब a का मान 6 हो जाएगा, और अचर पद के जवाब पे 10 है मतलब b का मान 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप समझ रहे होंगे। 6x प्लस 10 लिखे हैं तो a के जवाब पे 6 हो जाएगा और b के जवाब पे 10 हो जाएगा, मतलब x के गुणांक में जो रहेगा हम मैथ के भाषा में कहते हैं a है, और जो अचर पद के स्थान पर रहेगा हम कहते हैं b है। मान लीजिए हम यहाँ पर केवल एक बहुपद px बराबर लिखे हैं 6x, ठीक ना। हम बोले बताओ b बराबर कितना होगा, तब क्या कहिएगा, तो सर b के जगह पे कुछ हो ही नहीं है, b को तो अचर पद कहते हैं, तो b के जगह पे 0 होगा क्योंकि कुछ हो नहीं है, मतलब प्लस में 0 छिपल है, प्लस में 0 छिपल है, मतलब अचर का अचर पद के स्थान पर 0 है। समझ में आ रहा है, अचर पद के स्थान पर क्या है 0 है, ठीक है। a क्या है x का गुणांक, b क्या है अचर पद है। a क्या है x का गुणांक, b क्या है अचर पद है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। और एक चीज, एक के स्थान पर 0 होगा तो सबको 0 कर देंगे, एक के स्थान पर 0 होगा तो वो रैखिक बहुपद में नहीं आएगा। अगर एक के स्थान पर 0 आता है तो रैखिक बहुपद में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0x प्लस 10 लिखे तो 0x मतलब तो 0 हो गया, प्लस में 10 केवल 10 हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद में नहीं आएगा। बहुपद हो, रैखिक बहुपद होगा ही नहीं होगा रैखिक बहुपद। यहाँ पर एक के स्थान पर 0 नहीं, ए बराबर कभी नहीं होना चाहिए 0। अगर ए बराबर 0 नहीं है, x का गुणांक है लेकिन ए बराबर 0 नहीं है, एक की जगह पे कुछ 1, 2, 3, 4, 5 हो कुछ होगा, ठीक ना, तो x गुणांक में आएगा। b जो होगा अचर पद होगा, b के स्थान पर 0 हो सकता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप होगा। रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, सारी बातें के बारे में रैखिक बहुपद पढ़ रहे थे, इसके बारे में हम जान जाते हैं बेहतर तरीका से। शून्यक, एक नाम आप नया सुने हैं शून्यक, ठीक है ना। शून्यक का मतलब समझ लीजिए, शून्यक का मतलब, शून्यक का मतलब एक्स का मान, एक्स का वह मान, एक्स का मान है लेकिन एक्स का वह मान है, एक्स का वह मान जो, एक्स का वह मान जो पूरे बहुपद को, पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, बराबर कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बहुपद का शून्यक x का वह मान है, x का वह मान है जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, के जाने क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आने वाला है जब एक एग्जांपल बताएंगे। तो अब एक बात समझ लीजिए, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, चूंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, मतलब जो बहुपद होगा 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स के जगह पे अगर उसका मान रखते हैं तो काची के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब शून्य के शून्य के बराबर कर देता है। तो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को, उस बहुपद को 0 के बराबर करके, 0 के
बराबर करके x का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। क्या करने के लिए? शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, करने के लिए किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर करके x का मान ज्ञात कर लिया जाता है। चाहे कोई भी बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, उसे काची के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं और x का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इसे ही हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रैखिक बहुपद का शून्य निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रैखिक बहुपद लिए, एक नंबर क्वेश्चन नंबर वन खुद से ले रहे हैं, 6x + 10। इसका क्या निकालना है? एक रैखिक बहुपद px बराबर है 6x + 10। पॉलीनोमियल x के फॉर्म में है, यहाँ पर y रहता तो y लिखते, a रहता तो a लिखते, समझ में आ रहा होगा। तो इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर बोल रहा है शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर करके x का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो 6x + 10 बराबर में 0, 6x बराबर +10, इधर आके -10 हो जाएगा, बहुत आसानी तरीके से हो रहा है। x का मान निकालेंगे -10, आई देखिए 6 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में कटाएंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, x बराबर -5/3 आया, x बराबर क्या आया, -5/3। आप सोच रहे होंगे कि का x -5/3 इसका शून्यक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस बहुपद का शून्यक -5/3 होगा। विश्वास नहीं है तो देखिए शून्यक का मतलब समझ लेते हैं। x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, इसका मानवा इसमें रख के देखिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। अगर शून्य के बराबर नहीं होता है तो बहुपद का शून्यक गलत निकाले हैं, अगर शून्य के बराबर हो जाता है मतलब आप बहुपद का शून्यक सही निकाले हैं। देखिए इसका मान इसमें पुट करके देखिए 0 के बराबर हो जाएगा, 6x + 10 है ना, ये मानवा इसमें रख के देखिए 6x के जगह पर अगर -5/3 रखते हैं, आप प्लस में 10, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = तो -5 × 2 = -10, आप प्लस में 10, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताइए 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 0 के बराबर हो गया मतलब हम जो निकाले हैं सही निकाले हैं, मेरा शून्य यही वाला होगा -5/3। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने आ जाएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल लीजिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर बोले एक रैखिक बहुपद से मान लीजिए दिए दे 4x + 12 का शून्यक ज्ञात करे, देता है ऑब्जेक्टिव में शून्यक ज्ञात करे, इसका क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है। मेरे दोस्त क्वेश्चन है 4x + 12 का शून्य ज्ञात करना है, सॉल्व करने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब बच्चा सोचता है कि हम द्विघात बहुपद का शून्य निकालना सीखे, कहाँ से ये वाला लागे दे दिया, शून्य का मतलब होता क्या है मेरे दोस्त, शून्य का मतलब x का मान होता है, शून्य का मतलब x का मान होता है, लेकिन एक शर्त लगा देता है, x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, मतलब 0 के बराबर करेगा, वैसा मान निकालो जो 0 के बराबर करे, वगैरह कहे शून्य। जैसे इसका मान निकालना है 4x + 12 बराबर 0 कर देंगे, 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, 12 प्लस उधर के माइनस में 12, x बराबर -12/4, 4 × 3 = 12, x बराबर -3 निकल के आएगा जो इसका शून्यक होगा। मान रख के देखिए 0 के बराबर कर देगा, मान रख के देखिए 4 × 12 माइनस है, -12 + 12 कट के 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 0, शून्यक निकालने आएगा रैखिक बहुपद का, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैखिक बहुपद आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आगे चलते हैं द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट द्विघात बहुपद, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th और 9th दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक द्विघात बहुपद। ठीक है ना, इसका मतलब वह बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। वह बहुपद जिनके चरों का अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है।
मेरे दोस्त अधिकतम घात मतलब आप समझ गए होंगे, रैखिक बहुपद बता रहे थे इस समय, मतलब चर पद का अधिकतम घात देखना है, बहुपद होना चाहिए लेकिन उसका जो चर पद का घात होगा अधिकतम अधिक से अधिक दो होना चाहिए। दो से अधिक होता है द्विघात में नहीं आएगा, दो से कम होता है द्विघात में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे में देखिए, जैसे जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में चार एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस दस द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो बिल्कुल द्विघात बहुपद है। देखिए एक्स का घात दो, एक्स के घात वन, एक्स घात जीरो, सबसे ज्यादा घात क्या है दो है, तो द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, एकदम द्विघात। ये तो आसान फॉर्म में आराम से लिख जाएगा, आराम से पहचान जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिख दे, जैसे मान लीजिए रूट में थ्री एक्स के पावर चार प्लस में छ एक्स प्लस में दस, बोलेगा द्विघात बहुपद है तो बिल्कुल द्विघात बहुपद है। रूट में थ्री एक्स के पावर चार मतलब एक्स के पावर टू हो जाएगा, रूट में है ना तो बाहर निकल के आएगा टू या छ एक्स प्लस दस। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात दो है कि नहीं है, वो द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो फॉर्म चेंज करे तो आपको चेंज होने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा, बना दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं हम जो बोल रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। आगे चलिए, द्विघात बहुपद और ऐसे मान लीजिए थ्री एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस में चार एक्स के पावर पांच, द्विघात बहुपद है नहीं, द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए पांच तीन कहां, अधिकतम घात तो पांच हो गया, दो बोल रहा था ना, द्विघात बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है, द्विघात बहुपद में नहीं आएगा। ऐसे मान लीजिए वन बाई एक्स के पावर दो प्लस में माइनस टू प्लस में छ एक्स प्लस दस, द्विघात बहुपद है, बिल्कुल द्विघात बहुपद है, माइनस टू ऊपर जाके प्लस में टू हो जाएगा, ये वाला माइनस टू लिखे ना, ऊपर जाके प्लस में टू हो जाएगा, प्लस में छ एक्स प्लस दस, एकदम द्विघात बहुपद है, ठीक है। समझ गए होंगे द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, जैसे इसकी सूट ले लीजिएगा, मिटा दिए हम, ठीक ना, क्या करते हैं इसका व्यापक रूप लिखते हैं, वीडियो को पीछे करके इसमें सब कहते चलिएगा। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ओहो क्या लिख दिया, बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है, जहां जहां ए क्या है, ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। नीचे लिखना, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फ्रेश दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। फिर व्यापक रूप, व्यापक रूप इसका क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद में क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ध्यान से समझना है जो बता रहे ना, ध्यान से समझना है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है मेरे दोस्त, बी आपका एक्स का गुणांक है, क्या चीज का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, बोला मिटा दे रहे हैं, एक्स का गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद है, सी आपका अचर पद है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है। द्विघात बहुपद में दिमाग में बैठा लीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहता है एक का मान होता है, हमेशा के लिए बैठा लीजिए, एक के मान शुरू वाला नहीं होता है। अगर ऐसा दिमाग में रखते हैं कि शुरू वाला एक के मान होता है, गलत रखते हैं। अगर मान लीजिए इसे लिखल है छ एक्स प्लस दस एक्स स्क्वायर प्लस छ, तो क्या हई वाले का एक के मान छ लिखिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, समझ रहे हैं। अगर इसको प्लट के लिखे छ प्लस छ एक्स प्लस दस एक्स स्क्वायर, एक के मान छ होगा, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो होता है वही एक का मान होता है, जो x के गुणांक में होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद रहता है वो c का मान होता है, ठीक है ना। तो बताओ इसमें x का, इसमें a का मान क्या है, तो मेरे दोस्त ये वाला जो समीकरण लिखे हैं ऊपर, वो जो बहुपद लिखे, बीजगणित व्यंजक लिखे हैं, इसमें a का मान है 10, b का मान है 6, c का मान है 6। देखो x स्क्वायर के गुणांक में 10 है, x के गुणांक में 6 है, अचर पद 6 है, तो a b c का मान निकाल के यहां पर लिखे हैं। इसमें पूछे तो a का मान 10 है, बी के मान इसमें भी 6 है, अगर यहाँ पर 5 लिख दिया जाता तो बी के मान 6 क्योंकि एक्स गुणा में 6 है, और सी के यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा था, अलग अलग करने के लिए लिखे हैं, समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? उम्मीद करते सारी बातें समझ में आ रहा होगा। सुनते चलिए, समझते चलिए, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बोल रहे ना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसी सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा, एक बात बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं, कोई भी बहुपद को लिख रहे हैं तो बहुपद को सजाने के लिए लिखने का सबसे सही तरीका है अधिक घात वाले को पहले लिखते हैं, सबसे अधिक घात वाले को, अधिक घात, घात जो है अधिक घात वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, लास्ट में सबसे छोटा घात वाले को लिखा जाता है। अधिक घात वाले को पहले लिखा जाता है, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाले को लिखा जाता है। बहुपद को सजाने का तरीका, जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 6x⁻⁰ प्लस 3x⁵5 माइनस 6x⁻⁶ ऐसे दिया है, बोला बहुपद को दे दिया, बोला इसको मतलब सजाने के लिए, अगर इसको सजाने के लिए हम बोले तो सजाने का सही तरीका होगा अधिक घात वाला, 6x⁻⁰ पहले, फिर इससे कम 6x⁻⁷, इससे कम माइनस में 6x⁻⁶, इससे कम प्लस में 3x⁵5, इससे कम प्लस में 4x⁻²। सब लिखा गया ना, 10 लिखा गया, 7 लिखा गया, 6 लिखा गया, 5 लिखा गया, 2 लिखा गया। देखिए हम लाइन से लिखे हैं, 10 वाले को पहले, 10 के बाद छोटा इसमें क्या था, 7 था, 7 को उसके बाद माइनस में 6, माइनस में 6x⁻⁶ था, 6 को, फिर 5 वाले घाते को, फिर 2 वाले घाते को, और रहता तो और लिखे, बीच वाले नहीं है तो बीच वाला नहीं लिखे। समझ में आ रहा, इस सजाने का तरीका है, ठीक है ना। द्विघात कोनो को बहुपद है, कोई भी बहुपद है, अगर उसको सजाना है, कोई भी काम करना है, शून्य का निकालना हो या भागा देना हो, कोई भी काम करना है, आपका सही तरीका है अधिक घात वाले को पहले, फिर उससे कम घात वाले को लिखकर आपको काम करने की इच्छा पड़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका व्यापक रूप इतना होता है, इसका शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, देखो मेरे तो ध्यान में, ध्यान से देखना, बहुत आसानी तरीका से द्विघात बहुपद का शून्य सिखाने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीका से, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, कितनो भारी शून्य को के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस दिमाग को एक अस्थिर रख के बढ़िया से सोचना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया तरीका से आप शून्य का निकालना सीखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीका से बहुत आसान ले रहे हैं, 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 बराबर में 0, मतलब ये आपका बहुपद है px बराबर, पॉलीनोमियल x के फॉर्म में आपका ये बहुपद है। बोला है शून्यक ज्ञात करें, px बराबर आता ना का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। मेरे दोस्त द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, 2x² 7x + 5। गुणनखंड निकालने के लिए करना क्या है, शुरू वाले और लास्ट वाले में गुणा करना है, याद रहेगा ना, पहले लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को नीचे, 2x² + 7x + 5 शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, तो बराबर में 0, उसके बाद x का मान निकाला जाता है। x का मान निकालने का तरीका यही है, इस बहुपद का पहले गुणनखंड निकालेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला में गुणा करेंगे, शुरू में 2 है, लास्ट में 5 है, शुरू में 2 है, लास्ट में 5 है, कहने का मतलब है x² के गुणांक और अचर पद में गुणा किया जाता है, शुरू वाला लास्ट वाला ऐसा नहीं, x² के गुणांक और अचर पद में गुणा किया जाता है, ठीक है ना। शुरू में ही वाला रहता है तो आपको पहले x² के गुणांक वाला कर लेना है शुरू में, अब इसे जाने के लिए सीखा है ना, तो शुरू वाला लास्ट वाला मतलब x² गुणांक और अचर पद में गुणा करना है, तो x² गुणांक 2 है, अचर पद की जगह पे क्या है 5 है, तो 5 अब गुणा में 2 तो कितना आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, 10 को आराम से हम एक जगह लिख लेंगे, 10 को लिख लिए, 10 को आराम से एक जगह लिख लेंगे 10 अलग, लेकिन ये सब जो रफ वाला काम है अलग कॉपी पे करना है, यहाँ पर बगल में नहीं करना है, ठीक है ना। 10 लिख लिए, शुरू वाला और लास्ट वाला गुणा करके एक स्थान पर लिख लेंगे, अब इसको दो भाग में इस तरह से बांटेंगे, जो बात है पहले बता दे रहे हैं, बांटने का तरीका हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए करना क्या है। अभी 10 को इस तरह से बांटेंगे कि गुणा करना पर, गुणा करने पर 10 है, 10 को इस तरह से बांटना है कि गुणा करने पर 10 है और जोड़ने घटाने पर 7 है, गुणा करने पर 10
जोड़ने घटाने पर सात, ठीक है। तो बांटने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले एक इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, दो भाग में बांटेंगे दस को। तो एक में कतना से गुना करे के तो दस आई, दिमाग में ये पहले बिठाने के बाद, एक से स्टार्ट करे के बाद, शुरू में जब आप बनाना सीख रहे हैं तब आपको एक से स्टार्ट करके सीखना है कि एक में कितना से गुना करम तो दस आई, एक में दस से गुना करम तो दस आई, दस आधी कि ना। आप सीख जाइएगा तो पूरा दिमाग लगाते रहिएगा, देखते देखते आपको पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए, वो सब ठीक है, होगा, आराम से आप कीजिएगा उस समय। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, गुणनखंड निकालने नहीं आता है, उसके लिए ये बता रहे हैं कि आपको एक से स्टार्ट करना है, एक में कितना से गुना करेंगे तो दस आएगा, एक में दस से गुना करेंगे तो आराम से दस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब देखना है कि दस तो आगे गुना करने पर, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर बीच वाला सात आ रहा है, तो दस में एक जोड़ेंगे तो ग्यारह आएगा, सात नहीं आ रहा है, और दस में से एक घटाएंगे नौ आएगा, ग्यारह सात नहीं आ रहा है, मतलब एक दस लेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो एक के बाद क्या आता है, दो आता है, तो क्या दो के पहाड़ा में दस पा, तो हाँ पांच बार में पा, तो दो आ गुना पांच लिख सकते हैं, दो पांच दस सोलह, तो गुना के लिए पे दस आ जा रहा है, क्या जोने घटाने पर दस सात आ रहा है, तो दो गुआ पांच गो सात, अरे मिल गुल मिल गुल मिल गुल, दो आ पांच जोनी तो सात मिल गुल, तब यहाँ पर आपका काम बनता है, और दो आ पांच ले लेना है, दो पांच आपको मिल गया, एगो मिला है दो, दूसरा मिला है पांच। लिखा कैसे जाता है, टू एक्स स्क्वायर को पहले उतार देंगे, यहाँ पर काकची के जाची के चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ही देंगे, यहाँ पर काची का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखना है कि प्लस का चिन्ह दे दिए, लेकिन इन दोनों में अब बड़ा कौन है, दो पांच लिए है ना, दो और पांच में कौन बड़ा है, तो पांच बड़ा है, तो बड़ा वाले को पहले लिखा जाता है, बड़ा वाले को पहले, पांच है ना तो पांच, इसके साथ एक्स लाना है, सात एक्स लाना है, तो पांच के साथ एक्स लिखेंगे, पांच एक्स, ठीक है ना, जोड़े के सात एक्स लाना है ना, तो पांच एक्स लिखेंगे तब ना। अब क्या करना है, जोना की घटाना है, जोना है, पांच में दो को ऐड करना है, तो पांच दो जोड़ेंगे तो सात आएगा, तो जोड़ने के लिए हाई एगो जोड़ में मिले है, तो और जोड़ में लिखेंगे तब ना जोड़ाएगा, अगर ये घटाव में रहता तो घटाव में लिखते तब जोड़ाता, क्योंकि एक ही चिन्ह जोड़ाएगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, यहाँ पर ही दिमाग में रखना है, अगर एक ही चिन्ह रहेगा तो जोड़ाएगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, यहाँ पर प्लस है तो हमें दो लिखना है, तो जोड़ने के लिए लिखना है, घटाने के लिए जोड़ने के लिए लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, तब लिखेंगे टू एक्स प्लस में पांच, ठीक है, पांच गो दो सात हो गया कि नहीं हो गया, टू एक्स स्क्वायर पांच दो सात एक्स प्लस में पांच, इस क्वेश्चन बांटे हैं पांच दो के फॉर्म में बांटे हैं कि गुना करने पर दस आ रहा है, जोड़ने पर सात आ रहा है, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप आपका है कॉमन लेना, यहीं पर बहुत से ज्यादा बहुत बच्चा का दिक्कत होता है, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि कॉमन लेने नहीं आता है, कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शुरू से मेहनत नहीं करते, शुरू से वो इस सब सारी चीजों को पढ़े नहीं, जब नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा कॉमन लेने में, ये जो चीजें समझ जाते हैं सर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन कॉमन लेने में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मेरे दोस्त, यहाँ पर समझना पड़ता है कि कांची के पहाड़े में दुओ बा पांचो बा, कांची के पहाड़े में दुओ बा और पांचो बा, का के पहाड़े में दो भी बा और पांच भी बा, तो एक से स्टार्ट करेंगे, अब मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम वाला पहाड़ा लेंगे जिन्हें के पहाड़े में दो और पांच दोनों है, एक के पहाड़े में दो है और पांच दोनों है, मतलब एक दो और पांच भी है, इसके अलावा दो दो के पहाड़े में दो है लेकिन पांच नहीं है, तीन के पहाड़े में दो है लेकिन पांच नहीं है, चार के पहाड़े सॉरी तीन के पहाड़े में दो भी नहीं है और पांच भी नहीं है, चार के पहाड़े में दो भी नहीं है और पांच भी नहीं है, पांच के पहाड़े में दो नहीं है पांच है, दोनों होना चाहिए ना, तो पांच से अधिक वाले में तो हुई भी नहीं करेगा, क्योंकि अधिक वाला पांच है, पांच के अधिकतम तो दो से अधिक गए तो दो तो मिल भी नहीं करेगा, मतलब एक ऐसा है एक जो दो भी है और पांच भी है, तो एक को बाहर निकालेंगे दो और पांच दोनों में से, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है और एक्स है, मतलब इसमें दो गो एक्स है, इसमें एक गो एक्स है, तो दो गो एक्स एक गो एक्स, मतलब हेमे से एक गो एक्स बाहर ही निकाल सकी ना, तो हे जवाब बची एक गो एक्स है, और साथ में और बचेगा, इस जब एक कोमल लिए हैं हम तो करना क्या है,
इसमें और इसमें भाग देना है, तो भाग देंगे तो दो बार में दो एक्स, एक्स वाला में से दो गो एक्स है तो एक गो एक्स निकाल लेंगे तो एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स एक्स भी कटेगा वो तो एक गो एक्स बचेगा। इसे भी समझ सकते हैं आप, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, एक में पांच से भाग देंगे तो पांच बचेगा, ठीक है, मतलब एक के पारा का भी पढ़ो तो पांच ही, तो पांच में पढ़ो तो पांच ही, ऐसा भी समझना है। इसके अलावा एक्स है तो एक्स तो एगो निकल गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अगर कोई बच्चा समझ रहा होगा, सोच रहा होगा कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाल सकते थे ना, तो मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर इसमें था लेकिन इसमें इसमें से कहाँ से लाता दो एक्स, इसमें तो एक ना एक्स है, इसमें तो एक ना एक्स है, एक एक्स निकालेंगे ना, तो इसमें इससे तो एक और ले लेंगे लेकिन इससे एक से अधिक नहीं ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया है, हम बोलेंगे दोनों को बराबर रुपया देना है, तो हम तो 20 को दे देंगे लेकिन आप 10 को आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन 10 को आप कहां से लाइएगा। तो ऐसा करते हैं, आप भी 10 दीजिए हम भी 10 देते, आप भी आराम से दे दीजिएगा हम भी आराम से दे देंगे। तो यही चीज यहाँ पर भी है, इसके पास दो है लेकिन इसके पास एगो है, तो बोले कि तू एगो दे हम एगो देते हैं, आराम से हो जाएगा दोनों आदमी, हमारे भी एगो बचबू है तो कोई बात नहीं है, खर्चा पानी चल दोनों आदमी के, समझ में आ रहा है। यही चीज यहाँ पर भी है, समझना है, समझिएगा बेहतर तरीका समझ में आ जाएगा। दो है और पांच है, दोनों में क्या कॉमन है, तो वन वन के पड़ा में दो और पांच, जैसे यहाँ पर लिए हैं वन तो वन वन है, चूंकि एक सही यहाँ पर एक सही नहीं है तो बोलेगा तू मान दे हम लिख देते, टैक्स कोई नहीं देगा, तो टू एक्स और यहाँ पर पांच बराबर है जीरो। एक बात ध्यान रखना है, अगर कोष्ठ के अंदर वाला बराबर आता है तो यहाँ पर गुणनखंड आपका सही निकला है, कॉमन सही लिया, अगर बराबर नहीं आता है मतलब कॉमन गलत लिया है, मतलब यहाँ पर आपका गलत हुआ है, ऊपर जो भी गलत है आपका गलत हुआ है। अगर बीच वाला बराबर नहीं आता है तो बाहर वाले को एक जगह लिखेंगे, तो एक को लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है, एक्स प्लस में वन एक्स गुणा में तब नहीं लिखे, ऐसे वन है तो लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स गुणा में तब वन को नहीं लिखे, अब प्लस में वन है प्लस में वन, टू एक्स प्लस पांच तो टू एक्स प्लस में पांच बराबर में जीरो, तो बराबर में जीरो। इसको साथ में लिखेंगे गुणा एक्स का मान निकालने के लिए, तो एक्स का मान निकालने के लिए पहले इसको बराबर जीरो करेंगे फिर इसके बराबर जीरो करेंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस वन इधर का माइनस वन हो जाएगा, और टू एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, अब इसको लिखें बराबर जीरो किए हैं तो टू एक्स बराबर देखिए माइनस पाँच इधर का प्लस सॉरी प्लस पाँच इधर का माइनस पाँच हो गया, एक्स बराबर निकालेंगे माइनस में पाँच बटा में दो, एक गो एक्स का मान आया माइनस वन, एक गो एक्स का मान है माइनस एक माइनस पाँच बटे दो, यानी इसका शून्य का दो गो निकल के माइनस वन और माइनस पाँच बटे दो, यही आपका आंसर होगा द्विघात बहुपद का शून्य हुआ। यानी इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्य निकल के आ रहा था, रैखिक बहुपद का एक गो शून्य निकलता था लेकिन द्विघात बहुपद का हमेशा दो गो शून्य निकलता है, याद रहेगा रैखिक बहुपद का एक गो शून्य निकलता था लेकिन द्विघात बहुपद का हमेशा दो गो शून्य निकलेगा, द्विघात बहुपद का हमेशा दो गो शून्य निकलेगा, ठीक है, जो यहाँ पर निकल के आया है दो गो शून्य, कोई भी द्विघात बहुपद का शून्य अगर आप निकालते हैं जिसका दो गो शून्य निकल जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका द्विघात बहुपद का दो गो शून्य। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर तो एक निकला है द्विघात बहुपद का शून्य, चूंकि असल में देखने में प्रॉब्लम होता है समझने में प्रॉब्लम होता है लेकिन एगो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस चार जाएगा प्लस चार हो गया, एक्स बराबर रूट में चार, एक्स बराबर दो, बोलेगा सर एक्स बराबर दो आया है, दो गो शून्य कहाँ होगा। मेरे दोस्त आपको यहाँ पर समझना चाहिए, रूट से कोई भी चीज बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में रहता है, मतलब इसका मान माइनस दो है वो प्लस दो दोनों हुआ है, दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका द्विघात बहुपद का शून्य प्लस माइनस दोनों में, कभी भी लिखिएगा ऐसा शून्य निकालने के लिए दिए दिया, अगर बोलेगा लिखने के लिए तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, माइनस दो भी यहाँ पर रखिएगा तब भी आ जाएगा जीरो, अब प्लस दो रखिएगा तब वो जीरो आ जाएगा, रख के देख लीजिए, माइनस दो रखेंगे दो दोनों चार कट के जीरो, प्लस दो रखेंगे दो दोनों चार कट के जीरो, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है।
क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है वीडियो देखकर, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा बहुत आप लोगों को भी तनी मुनी हाथ पर चलाना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है ना, और लाइक कर देना है। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका मर्जी, सब्सक्राइब करना है कीजिएगा चैनल को, लेकिन लाइक कर दीजिएगा अगर बढ़िया लगे तो, ठीक ना, क्योंकि सारी चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कमेंट आता है, लाइक आता है, तनी मजा आता है, लगता है कि नहीं जो मेहनत किया है किसी को काम आ रहा है मेरा मेहनत, ठीक है ना। अगला त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? अधिकतम घात क्या होगा इसका? अधिकतम घात 3 होता है, अधिकतम घात 3। वो बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। वो बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। वह बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अभी मेरे दोस्त बहुत इसका थ्योरी बाकी है, थ्योरी में अभी थोड़ा घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, अभी बहुत चीज बताने वाले हैं। एक वीडियो में नहीं होगा, और एक वीडियो आएगा थ्योरी का स्पेशल, ठीक है ना, उसमें क्लियर होगा पूरा। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली की ओर, फोड़ेंगे सारे क्वेश्चन को खतरनाक तरीका से एकदम, और बहुत मजा आने वाला है। अभी जितना चीज बताया है इसके मदद से आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुपद के, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात मतलब त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। वह बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। वह बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद को कैसे, जैसे देख लीजिए, जैसे 3x^3 + 6x² + 10x + 5 बराबर में 0, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद है मेरे दोस्त, देखो अधिकतम घात 3, 2, 0, 1, 0 है कि नहीं है, तो अधिकतम घात 3 है, त्रिघात बहुपद हो गया। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब समझ रहे ना, मूल रूप, इसका मूल रूप क्या होता है, किस रूप में रहता है? ax³ + cx + d = 0 के रूप में होता है। यहां पर समझिएगा, जहां a क्या है? x³ के गुणांक है। b क्या है? x² के गुणांक। c क्या है? x के गुणांक। और d क्या है? अचर पद है। d आपका अचर पद है। समझ में आ रहा है? ax³ के गुणांक, जैसे द्विघात बहुपद में x² गुणांक था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? x³ का गुणांक। रैखिक बहुपद में क्या था? x² के गुणांक था। रैखिक बहुपद में अगर बोले गए कि मान x² गुणांक में होगा उसको लिखेंगे, द्विघात बहुपद में बोलेगा एक मान लिखने के लिए x² गुणांक में उसको लिखेंगे, त्रिघात बहुपद में बोलेगा एक मान लिखने के लिए x³ के गुणांक में जो उसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपका व्यापक रूप हुआ, ए बी सी, x³ के गुणांक बी, x² गुणांक सी, x² गुणांक डी, अचर पद, ठीक है ना। ये आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं ये भी आपको अभी हम सिखाएंगे, त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9th क्लास में भी था त्रिघात बहुपद, 10th में भी आपको पढ़ा है त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। चूंकि क्वेश्चन हम लिख रहे हैं त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है एक मिनट, क्वेश्चन को, क्योंकि त्रिघात बहुपद जो होता है एक डाटा टाइप का होता है, मतलब उसमें निकालने के लिए आपका एक सीरियली रहता है, तो अच्छा तरीका से निकलता है। जैसे मान लीजिए वो लिख रहे हैं 3x³ - 5x² - 11x - 3, त्रिघात बहुपद लिखे हैं। आपका बुक देखिएगा तो बुक के उदाहरण का क्वेश्चन है दिया है, ठीक है ना। बुक के उदाहरण का क्वेश्चन है 3x³ - 5x² - 11x - 3, इसका शून्य दिया है दो शून्य दिया है, और बोल रहा नहीं, शून्य किसका? तीनों दिया है,
सुनांको अंग गुणांकों के भी सुलेखों एवं गुणांकों के भी संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो उदाहरण दिया उसको नहीं बना रहे हैं, हम इसका शून्यक निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है मेरे दोस्त? त्रिघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल तरीका अभी हम बताने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा काम करने को सकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दो को तरीका बताएंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने का, आप दोनों तरीका से आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट में क्या है, तीन है, तीन को देखिए, तीन काची काची के पहाड़ा में है, एक के पहाड़ा में है, तीन से छोटा देखिए क्या क्या है, वन है टू है और क्या है, एगो तीन है, ठीक है ना। तो वन टू तीन प्लस में लीजिए और वन टू तीन माइनस में लीजिए, ठीक है ना। तीन वन टू तीन प्लस में भी, वन टू तीन माइनस में भी। असल में देखा जाए तो इस तरह से किया जाता है कि तीन का अगर पहाड़ा में, एक के पहाड़ा में और तीन के पहाड़ा में, तो प्लस वन लीजिए एक बार माइनस वन, एक बार प्लस तीन, एक बार माइनस तीन। क्या लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं हम कहना क्या चाहते हैं सुन लीजिए पहले, बढ़िया समझ में आएगा। माइनस तीन है, तीन है लास्ट में, बस तीन समझिए। तो तीन को तीन का पढ़ा में है, वन के पढ़ा में और तीन के पढ़ा में, सुनिए ध्यान से, वन के पढ़ा में और तीन के पढ़ा में, ठीक है। तो एक वन और तीन आपको मिला, वन और तीन मिला, ये दोनों में से कोई भी एक का स्थान पर रखना है, देखना है किसको जी कौन रख रहे हैं इस एक्स के स्थान पर, तो पूरा बहुपद जीरो हो जा रहा है। जिसको रखने से पूरा बहुपद जीरो होगा वही इसका एगो शून्यक होगा, वही इसका एगो शून्यक होगा। और एगो शून्यक आपको निकालना पड़ेगा, इसका एगो शून्यक आपको निकालना पड़ेगा। अगर इसका एक शून्यक आप निकाल लेते हैं, तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एगो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट वाला तीन लेना है, तो तीन का पहाड़ा में, एक के पहाड़ा में और तीन के पहाड़ा में है, तो एक और तीन, एक के स्थान पर एक बार एक रखना है, एक बार तीन रखना है, रख के देखिए क्या जीरो आ रहा है। हाँ, एक प्लस में और माइनस में दोनों में से कुछ में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं, चूंकि वन रख के पहले देखते हैं, ठीक है ना। प्लस वाला, तो प्लस वाला रखेंगे तो वन के पावर तीन तो वन होगा। दिमाग लगाना, दिमाग लगाइएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाइएगा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हम रख के दिखा दे रहे हैं, तीन वन के पावर तीन माइनस पांच, वन के पावर दो माइनस ग्यारह, वन, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, रख के दिखा दे रहे हैं। तीन गुना वन के पावर तीन मतलब वन, पांच गुना वन के पावर दो मतलब वन, ग्यारह माइनस में तीन, तो तीन माइनस पांच माइनस ग्यारह माइनस तीन हो गया क्या चीज, तीन तीन हिस्सा माइनस में है, तो पांच तीन आठ, आठ को ग्यारह माइनस उन्नीस, नहीं आया जीरो, वन रखने से जीरो नहीं आया। अब माइनस वन रखते, इसी स्थान पर क्या रखते हैं, माइनस वन, तो माइनस वन के पावर तीन मतलब माइनस वन, पावर दो मतलब वन, यही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में ग्यारह, ठीक है ना। तीन में माइनस वन से तो माइनस तीन, पाँच में वन से माइनस पाँच, प्लस में ग्यारह माइनस में तीन, तो पाँच तीन आठ, तीन ग्यारह माइनस में, सॉरी प्लस में ग्यारह है यहाँ पर, पाँच तीन आठ तीन ग्यारह माइनस में ग्यारह और प्लस में ग्यारह, कट के जीरो आ गया। ओहो कितना बढ़िया, जीरो आ गई ना, आराम से निकल गई। क्या रखे हैं, माइनस वन रखे, तब एक्स बराबर माइनस वन रखे हैं तो जीरो आ गया है, एक्स बराबर माइनस वन पे जीरो है, सारा झमेल खत्म, एक्स बराबर माइनस वन पे जीरो आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर माइनस वन पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर है, इसलिए इसका एक गुणनखंड x प्लस वन होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम एक गुणनखंड x प्लस वन कैसे कर दिए, x बराबर माइनस वन क्या है, शून्यक है। आप देखे होंगे पिछला में देखे हैं हम x प्लस वन एक्स माइनस टू, मान लीजिए ऐसा आया था गुणनखंड, द्विघात बहुपद के निकाले हैं पिछला बार, तो मान लीजिए ऐसा आता है तो x प्लस वन बराबर जीरो किए थे तो x बराबर प्लस वन माइनस वन हुआ था, x माइनस टू बराबर जीरो किए थे
एक्स बराबर माइनस टू था प्लस टू का था। देखिए प्लस टू कब आया, जब एक्स माइनस टू था तब। माइनस वन कब आया, जब एक्स प्लस वन था तब। तो बताइए माइनस वन है मतलब इसका गुणनखंड जो होगा एक्स प्लस वन के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मतलब इसका गुणनखंड इतना हो गया। ठीक है, एक गुणनखंड निकाल लिए, जब एक गुणनखंड निकल गया तब इसको सॉल्व करने में आना है। शुरू वाला लिख देना थ्री एक्स के पावर तीन, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नीचे कोमन लेने पर एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स लाना है, यहाँ पर एक्स लाना है, यहाँ पर एक्स लाना है, ठीक है ना, कोमन लेने पर। तो यहाँ पर लिखते हैं वन लाना है, तो तीन एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो देखिए थ्री एक्स स्क्वायर कोमन लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स बचेगा, और थ्री एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो प्लस में वन बचेगा। ठीक है, कोमन निकालते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ध्यान से देखना है आपको, आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन उतार देते हैं थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक गुणनखंड इतना होगा, इसको उतार देते हैं, क्योंकि थ्री एक्स क्यूब माइनस पाँच एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स माइनस में तीन, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, तो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब शुरू वाला उतार देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोमल लेने पर एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में लाना है हमें, तो प्लस का चिन्ह देना आवश्यक, अवश्य मतलब जरूरी है प्लस का चिन्ह, क्योंकि बीच में प्लस वन लाना है हमें, पहले ही यहाँ पर क्या लाना है एक्स प्लस वन लाना है। तो हे में से तो एक्स स्क्वायर निकालो तो एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा तब ना वन आएगा, निकाल दिए एक्स स्क्वायर शुरू में दिमाग में निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखते हैं, चूंकि तीन रखेंगे तीन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो तीन निकल गया वन बच गया, एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर घट एक्स बच गया, आई तो टोटल निकल गया मतलब वन बच गया, काम हो गया। चूंकि तीन एक्स क्यू अब माइनस में पांच एक्स स्क्वायर है, लेकिन तीन एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो पांच एक्स स्क्वायर लिखना है हमें ना, तो एक्स स्क्वायर को संतुलित करने के लिए माइनस में आठ एक्स स्क्वायर कर देते हैं, आठ में से तीन घटेगा पांच आएगा कि नहीं आ गया, इस ऊपर भी संतुलित करना है और नीचे भी संतुलित करना है, तो प्लस में तीन एक्स स्क्वायर लिखे थे तो माइनस में आठ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो आठ में से तीन बचेगा पाँच आ जाएगा कि नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। जब यहाँ पर आठ लिख दिए आप तो फिर आपको नीचे एक्स प्लस तीन लाना ही लाना है, तो अब आठ एक्स स्क्वायर में से क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में आठ एक्स आपको निकालना ही पड़ेगा, तब तो यहाँ पर एक्स प्लस वन आएगा। तो पहले ही आप कोमन निकाल चुके हैं, पहले ही आप कोमन निकाल चुके हैं, बस आपको यहाँ पर रखना है, तो रखेंगे क्या माइनस में आठ एक्स रख देंगे, तब ना आठ एक्स निकालेंगे तो प्लस में वन आएगा, जो कोमन निकालेंगे वही रखें तब ना यहाँ पर वन आएगा, समझ में आ रहा है। अब पांच एक्स स्क्वायर ला, अब आठ एक्स यहाँ पर ग्यारह लिखना है, लिख दिया आठ एक्स, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ग्यारह आ जाएगा, तो माइनस में थ्री एक्स लिखेंगे, दिमाग में आ रहा होगा आपको, आठ तीन ग्यारह होता है, आठ तीन माइनस में ग्यारह हो गया कि नहीं हो गया। अब चूंकि माइनस में थ्री एक्स यहाँ पर लाना है एक्स प्लस वन हमें, तो माइनस थ्री एक्स यहाँ पर एक्स लाना है शुरू में, कॉमन में एक्स लाना है, तो तीन निकालेंगे, चूंकि माइनस में लाना माइनस में प्लस में लाना है तो माइनस भी निकालना होगा, तीन निकाल लेंगे तो एक्स बच गया, चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे तो तीन लिखेंगे तब ना यहाँ पर वन आएगा प्लस में, प्लस में वन लाने के लिए यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस निकालें तब ना प्लस आएगा, तो तीन तो हिले है संतुलित तो हो गया, यहाँ पर बराबर में जीरो है, बराबर में जीरो देते चलेंगे, बोलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इस विधि से तब आप बना पाइएगा, ठीक है ना। चूंकि थ्री एक्स क्यू था थ्री एक्स क्यू, हमें एक्स प्लस वन कॉमन में लिखना है, सबके कॉमन में लिखना है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस लिखना ही लिखना है। तो आप सोचिए थ्री एक्स क्यू एक्स प्लस वन कैसे आएगा, तो एक एक्स बचाना है, तो तीन गो एक्स है तो दो एक्स निकाल लेंगे, एक्स बचेगा, चूंकि यहाँ पर वन लाना है तो जो यहाँ पर निकाले वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पर वन आएगा। ठीक है, कर दिए, इतना हो गया। इसके बाद में बच्चा जो है घबराता है कि सर आगे क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा, तब तीन एक्स स्क्वायर लिख दिए, पाँच लाना है तो आठ लिखेगा, तब ना पाँच में से तीन घट के आठ आएगा, जब आठ लिख दिया तो रास्ता खुल गया, आठ लिखा तब यहाँ पर एक्स प्लस वन तुमको लाना है, तो आठ एक्स स्क्वायर में से आठ एक्स निकालेगा तो एक्स बचेगा, क्योंकि माइनस निकाला तो माइनस रखेगा यहाँ पर आठ एक्स, तो प्लस वन बचेगा। जब आठ रख दिए तो ग्यारह लाना है, तीन रखेगा आठ तीन ग्यारह हो गया, तो जब आठ रखा है तो यहाँ पर एक्स प्लस वन लाना है तो क्या निकालेगा, यहाँ पर एक्स प्लस वन तीन रखा ना, आठ तीन ग्यारह हो गया, तो यहाँ पर तीन एक्स आ गया तो तीन एक्स मिले क्या निकलेगा, तीन निकलेगा एक एक्स बच जाएगा, और चूंकि यहाँ पर माइनस तीन तो माइनस तीन हिले है, प्लस वन भी बच गया,
मेरा काम भी हो गया, ऊपर वाला संतुलित भी हो गया। अब इसको बाहर वाला के करो, 3x² - 8x - 3, अंदर वाला की जगह x प्लस 1 बराबर में 0 लिख देना है, ठीक है, बराबर में 0 लिख देना है। इसके बाद इसका गुणनखंड करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला में गुणा तितिरिका 9, अभी बताया शुरू वाला लास्ट वाला में गुणा तितिरिका 9, 3x² उतार देना है, 9 आया है तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे 8 बच जाएगा, 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे 8 बच जाएगा, मतलब 9 एक लेंगे तो बीच वाला 8 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। माइनस आठ एक्स है तो माइनस में 9x लेते हैं, अब प्लस में 1 लेते हैं तो 1 की जगह x लिखेंगे क्योंकि x के फॉर्म में है, तितिरी का 9, 1 गुना 9, 1 में से 9 घटे 8, 3x² उतार दिए, माइनस के चिन्ह माइनस, बड़े वाले को पहले लिखते हैं, बड़े वाले को 9x को पहले लिखे हैं, प्लस में लिखे हैं कि माइनस में, चूंकि घटाना है तो माइनस ही ले शुरू में, अगर घटाना है तो प्लस में लिखेंगे तब ना घटेगा, तो प्लस में 1, तो 1 नहीं x है तो x के फॉर्म में लिखेंगे ना 9x + 1, चूंकि माइनस है प्लस है घट जाएगा, 9x में 1 घटेगा माइनस में 8x बचेगा, माइनस में 3 उतार दिए, x + 1 उतार दिए बराबर में 0। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, 3x² - 9x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेगा तो एगो x बचेगा और माइनस में तितिरी का 9 3 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 बचेगा, और चूंकि x प्लस 1 ही ले तो x प्लस 1 बराबर में 0, x प्लस 1 बराबर में 0, अभी बोले x प्लस 1 उतार दिए, इसमें इसमें जो कॉमन लेने वाला कॉमन वाला काम कर दिए, बाहर वाले की एक जगह 3x + 1, अंदर वाले की जगह x - 3, इसको x + 1 बराबर में 0, क्योंकि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, x - 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 आएगा, +3 हो गया, और एक क्या है यहाँ पर है x + 1 बराबर 0 एक्स बराबर -1, मतलब 3 को शून्य निकला है, तो इसका शून्य हो गया -1/3, 3 और -1, इसका 3 को शून्य निकला है, कौन कौन शून्य निकला है, शून्य को ऊपर लिखते रहे नहीं दिख रहा होगा, 1/3, 3 और -1, इस बहुपद का 3 को शून्य निकल गया है, त्रिघात बहुपद का 3 को शून्य होता है, त्रिघात बहुपद का 3 को शून्य होगा, द्विघात बहुपद का 2 को शून्य होगा, रैखिक बहुपद के एक शून्य होगा, त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने का और एक तरीका है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया उसके लिए बता रहे हैं, सुन लो, यहाँ पर तो समझ में आ गया कि इसके गुणनखंड x प्लस 1 होगा ना, जब ये गुणनखंड निकल गया बस काम हो गया, करना क्या है, मिटा देना इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए, जब वो गुणनखंड हमें मिल गया तब सोचने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं सोचना है, जब वो गुणनखंड मिल गया, जैसे मान लीजिए ये गुणनखंड x प्लस 1 है, x प्लस 1 में क्या करना है, 3x³ - 5x² - 11x - 3 भाग दे दीजिए, ध्यान इतना x प्लस 1 से x है 3x³ है, यहाँ पर 3x² रखेंगे, 3x³ आ गया, प्लस 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 3x² 1 में 3x² से 3x² किया क्या जाता है भाग देने के लिए, ये भी सिखा दे रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ना था भागा, बहुत ज्यादा भागा था, फिर भी नहीं समझे हैं, समझ लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, x है 3x³ लाना है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, x है x³ लाना है, देखिए शुरू वाला का देखा जाता है, यहाँ पर शुरू x है 3x³ है, x में कितना से गुणा करेंगे 3x² आएगा, तो 1 है 3 रखेंगे तो 3 आएगा, x है x² रखेंगे तो x में गुणा करें x² में x से गुणा करेंगे x³ आएगा, 1 है 3 रखेंगे 3 आएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 नहीं आएगा, x है x के पावर 3 लाना है तो पावर में 1 है और पावर में 2 को चाहिए तब ना 3 हो जाएगा, तो पावर में 2 को तो 3 हुआ गया, जब आ गया तो जितना यहाँ पर लिखा उतना 1 में भी गुणा करेंगे तो 1 में 3x² 3x² काम है दूसरा चिन्ह बदलना, माइनस माइनस कट गया, उसके बाद एक जत वाले को जोड़ेंगे
या घटाएंगे, एक जात वाले को जोड़ घटा होता है, अलग जात वाले के साथ में एक्स स्क्वायर एक जात है, पाँच तीन माइनस में आठ एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले को उतार देते हैं, ग्यारह एक्स माइनस में तीन है, एक्स है आठ एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस में आठ लिख दिए, एगो एक्स बा दो गो एक्स, एगो एक्स लिखो तो माइनस में आठ एक्स दो गो एक्स आ गए, माइनस माइनस प्लस माइनस आठ में वन से आठ एक्स है तो एक्स लिख दिया, चिन्ह बदलेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कट गया, ग्यारह में आठ कटेगा माइनस में थ्री एक्स बचेगा, माइनस में तीन बचेगा, चूंकि यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है, तीन केवल अधिक हो रहा है माइनस में तीन, तो माइनस में तीन रख देते हैं तो माइनस में तीन एक्स आ जाएगा, एक्स तो ही ले यहाँ पर, माइनस तीन में वन से, माइनस तीन में वन से तो माइनस में तीन, प्लस प्लस कट गया कट गया, कितना है थ्री एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, थ्री एक्स स्क्वायर आया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स माइनस में तीन, एक वो था एक्स प्लस में वन, गुना दोनों में करेंगे कितना के बराबर नहीं होगा बताओ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता कि नहीं होता, आर बराबर तो जीरो आ गया, इसमें से गुना करेंगे कितना बराबर होगा कि नहीं होगा, देखो उदाहरण कर दिए इसको, दो बाटों में रख दिए, दो पार्ट में बांटे कि नहीं इसको, आराम से बांट दिए, समझ में आ रहा है, इससे मान लीजिए बत्तीस है, अब बत्तीस का गुणनखंड सोलह है, तो वो क्या होगा, सोलह दूनी बत्तीस दो होगा, भागा दिया है बत्तीस में दो से सोलह से, सोलह दूनी बत्तीस, समझ रहे हो, बहुत आसान है मेरे दोस्त, समझना है यहाँ पर केवल, समझने का फिर मैथ जो है कंसेप्ट का चीज है, अगर आपका दिमाग उस तरह से चल रहा है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, आराम से फोड़ सकते हैं, फोड़ने का तरीका होना चाहिए, करना क्या है गुणनखंड निकाल देना है, वही वाला काम करना है जो हम किए हैं, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आया होगा, ठीक ना, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आप लोग इसको अच्छी तरह से रिविजन करके रखिएगा, अगले क्लास में इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जय हिंद।